भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बालको मंडल द्वारा मुख्य मार्ग से अवैध बीची प्लांट हटवाने के संबंध में सौंपा गया ज्ञापन। कोरबा जिले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बालको मंडल द्वारा मुख्य मार्ग से अवैध ब्लीचिंग प्लांट हटवाने के संबंध में भारत अल्मुनियम कंपनी लिमिटेड कंपनी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख है कि हम बालको नगर निवासी लगभग 100,000 की संख्या में बालको नगर में निवासरत है तथा कोरबा आने जाने हेतु बालको परसामाता से अमर सिंह होटल से चेक पोस्ट से कोरबा पहुँचने का मुख्य मार्ग है, जिसका उपयोग बालको निवासी लगभग 50 वर्षों से कर रहे हैं। मुख्य सड़क से 10 से 15 फीट की दूरी पर बीची प्लांट निर्माण अवैध रूप से कराया जा रहा है, जिसके कारण दुर्घटना की भारी संभावना उत्पन्न हो चुका है। भविष्य में जनहानि को ध्यान में सकते हुए अवैध बीची प्लांट को 7 दिवस के भीतर हटाने की मांग की गई है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज ज्ञापन सौंपे इसके बारे में मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष बालको मंडल से, और यहाँ बालको मंडल में हम लोग 100,000 लोग निवासरत हैं और हम लोग के मुख्य मार्ग बालको कंपनी के अधीन कार्यरत कंपनी द्वारा दो दो ब्लीचिंग प्लांट डाल दिया गया है मुख्य सड़क पे, जो सड़क से महज 10-15 फीट की दूरी पे ही है और वहाँ बराबर भारी वाहन आ जा रही है और लोगों को निरंतर समस्या हो रहा है और वहाँ जल्दी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है और जन हानि की भी भाई संभावना है। हम लोग इस मुद्दे को लेकर यहाँ बालको प्रबंधन के पास आए हैं कि जल्द से जल्द वो अवैध ब्लीचिंग प्लांट वहाँ से हटा दिया जाए, जिससे लोगों को दुर्घटना का शिकार न होना पड़े। क्या लग रहा है, वो कब तक आदेश दिए? हमारे द्वारा बालको को अल्टीमेटम दिया गया है कि 7 वर्ष के अंदर आप उसको जल्द से जल्द हटाइए, नहीं तो हम आंदोलन हेतु बाध्य होंगे, हम वहाँ धरना आंदोलन अवश्य करेंगे। आप लोग के द्वारा एक बार और पहले भी दे चुके हैं, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं? पहले भी दिया गया था, बाकी सुनवाई नहीं हुआ, पुनः दिया जा रहा है। अगर इस बार भी सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग अवश्य रूप से धरना, बालको भी नगर के लोग और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग अवश्य रूप से करेंगे। ज्ञापन के बारे में, आज ज्ञापन युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी बालको मंडल के द्वारा किया गया, जिसमें समस्याएं तो निश्चित रूप से जो भी आवागमन हो रहा है, जो बालको के जितने निवासी है उनका मुख्य मार्ग है, अब उस मुख्य मार्ग पर नियमता ऐसा नहीं है कि वहां ब्लीचिंग प्लांट का निर्माण किया जाए, क्योंकि आए दिन दुर्घटना की समस्या वहां बढ़ी रहेगी। अब इस जो आवेदन युवा मोर्चा के द्वारा दिया गया है, अगर इसके बालको पहल करती है तो ठीक है, नहीं तो युवा मोर्चा के द्वारा वहां पे आंदोलन किया जाएगा। भैया, ये जो राखड़ जो भरी हुई ओवरलोड आती है, इसमें अभी दुर्घटना हुआ था, ऑन द स्पॉट इस पे खत्म हुआ था, इस बारे में क्या कहना चाहिए? अब ये समस्या तो निरंतर बनी हुई है, चाहे यहाँ तो सबसे ज्यादा परसाभाटा जो आसपास के मुख्य मार्ग के अगल बगल निवासरत बस्ती है, वो तो पूरे इस समस्या से, राखड़ से समस्या से जुड़ी हुई है और इसका निराकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कलेक्टर को भी दिया है, लेकिन इस पे शासन प्रशासन मौन रूप है। क्या लग रहा है, बंद हो पाएगा नहीं हो पाएगा? अब बंद होने की गारंटी जब तक भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी, मेरे को नहीं लगता कि ये शासन प्रशासन की मिलीभगत से ये चली रहा है राखड़ का खेत और निरंतर ये चलते रहेगा ऐसा लग रहा है।